नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा के बुध दिन के सेवा सब स्थगित रहल। मुख्य प्रशंसा प्रशासकीय अधिकृत के निधन भिलाक बाद जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा बुध दिन सेवा सब स्थगित कलक। कार्यालय के प्रशासकीय अधिकृत बलबीर ठाकुर के बुध दिन भिनसर हृदयघात के कारण निधन भेल। साथे वायरल बुखार के कारण 8-9 गोटे कर्मचारी संक्रमित रहला से होम आइसोलेशन में रहल कारण से हो बुध दिन एक दिन के लिए प्रवाही होय वाला सेवा सब स्थगित कैल गेल। जिला प्रशासन कार्यालय सूचना जारी करते जानकारी दिलक। नेकपा एमाले के नेत्री जुली कुमारी महतो धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से जन प्रतिनिधि सभा सदस्य के उम्मीदवार बनल लागल। एमाले के पोलिट ब्यूरो सदस्य तथा पूर्व मंत्री समेत रहल महतो अगहन 4 गते के लिए प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य के निर्वाचन मिति घोषणा भेल। संगे धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से उम्मीदवारी देव घोषणा केने शन। एत के अवस्था विगत से निके सहज होब देखल गेला के बाद उम्मीदवारी घोषणा कैल गेल। हिनकर कहब सल 2074 के निर्वाचन में अही क्षेत्र से लोजपा के नेता राजेंद्र महतो बिमलेंद्र निधि के पराजित केने छलथि। जनकपुर धाम से प्रतिबंधित लागू औषध सहित प्रहरी एक गोटे युवक के नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल जनकपुर धाम एक रहनिहार 24 वर्षक प्रकाश शाह रहल सन। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वडा नंबर 1 स्थित रघुवीर पार्टी पैलेस के निर्माणाधीन अवस्था में रहल भंसा कोठा नजे के मंगल दिन लागू औसत खरीद बिक्री भ रहल। विशेष सूचना के आधार में जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटल प्रहरी टोली हिनका नियंत्रण में लेने धनुषा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्री जानकारी देने सन। शाह के जींस पैंट के बायां साइड के अगाड़ी के जेबी में कारी प्लास्टिक के झोरा में बेर का नुका छुपा कर रखने अवस्था में प्रतिबंधित लागू औषध नाइट्राभेट 3 टैबलेट आ 2 थान मोबाइल से बरामद भेल। हिनकर कहब सल सामान सहित शाह के नियंत्रण में लग लागू औषध मुद्दा में थप अनुसंधान भ रहा जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी दिलक। नेपाल में थप 8-68 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर कैल गेल 3,614 PCR परीक्षण के क्रम में 496 गोटे आ 3,091 एंटीजन परीक्षण के क्रम में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना बीतल 24 घंटा में कोरोना के कारण थप 3 गोटे के मृत्यु जानकारी दिलक। अहि संगे थप 4-14 संक्रमित कोरोना संक्रमण से निक भेल सन। अखन नेपाल में 5,885 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी दिलक। आय 19 जिला के छोट नदी नाला में बाढ़ के जोखिम रहला से सतर्कता अपना व आग्रह कैल गेल। बाढ़ पूर्वानुमान महाशाखा सूचना निकाल कर सतर्कता अपनाब लेल आग्रह कलक। महाशाखा के अनुसार आई दोलखा सिंधुपाल चौक नुवाकोट रसवा दहाडिंग गोरखा लमजुंग कास्की पर्वता के छोट नदी तथा नाला समय आकस्मिक बाढ़ के जोखिम रहल। तहिना मैगदी वांगलुंग रुकुम पूर्व रुकुम पश्चिम जाजरकोट दोलखा बछांग दार्जुला बैतडी ददेल ढोरा आ के आसपास भक बह वाला किछ छोट नदी नाला समय बाढ़ के खतरा रहला से सतर्कता अपनाब कहल गेल। संगे आपके 3 बड़का नदी कोसी नारायणी कर्णाली महाकाली कमला लगात के नदी समय पानी के सतह से नीचे रह अनुमान से हो कैल गेल। सशस्त्र प्रहरी परसा से 143 किलो गांजा बरामद कलक। मंगल दिन रात करीब 11 ड्राईपोर्ट परवानीपुर सड़क खंड अंतर्गत वीरगंज महानगर पालिका 24 बहुअरी से गांजा बरामद कैल गेल। बहुअरी चौक में रोक कर राखल UP-75M-80-4089 नंबर के भारतीय मालवाहक ट्रक से प्रतिबंधित लागू औषध गांजा बरामद कैल गेल। सशस्त्र प्रहरी जानकारी दिलक। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गन 13 हेडक्वार्टर परसा से विशेष सूचना के आधार में खटल टोली गांजा बरामद केने। सशस्त्र प्रहरी के टोली सवारी चालक कैबिन ऊपर के हुट में वाकस ऊपर सामान राख खंड बनाकर नुका कर भारत दिस ल जा रहल 10 पैकेट अर्थात 143 किलो गांजा बरामद केने। सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक संतोष कुमार बसनीत जानकारी देने।
नेकपा एमाले के सांसद रहल खगराज अधिकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में देखल गेल जटिलता के हटा कर अके प्रभावकारी बनाब सरकार के ध्यान आकर्षण कराने चाहत हूँ। बुध दिन बैसल प्रतिनिधि सभा बैसार में अधिकारी स्वास्थ्य बीमा बाफत के रकम उपलब्ध नहीं कराएल गेल तो संपूर्ण सरकारी अस्पताल आ प्रतिष्ठान में ई सेवा बंद होब अवस्था में पहुँचत संगे अहि संबंधी जटिलता हटा कर सरकार के अ पर ध्यान आकर्षण कराने चलत हैं। वो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में बीमित सबसँ 11 अरब संकलन भेल पर उक्त सेवा के बंद कराब अवस्था में सरकार लग जिक्र कलत हैं। अधिकारी स्वास्थ्य बीमा में सरकार हेल चकराई करके सरकार जनता के स्वास्थ्य ऊपर खेलवाड़ कर खोज रहा जानकारी देने चलत हैं। प्रतिशत सामान्य सभा में इसमें अति गरीब परिवार 488,000 ज्येष्ठ नागरिक 634,745 र त्यति मात्र होइन एचआईभी एड्स का बिरामीहरू 25,289 अति अशक्त अपाङ्गता भएका 93,629 पुष्ट बीमित छ सम्मान्य सभा महोदय। यो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वयं म स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा 70-71 सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सुरु गरिएको थियो सम्मान्य सभा महोदय। अहिले अहिना बैसार में एमाले के दोसर सांसद रहल महेश बस्नेत ठग आ अपराधी कार्य में संलग्न भेल कहत महान्यायाधिवक्ता खम बहादुर खती के निलंबन कर पड़त जिक्र कने सलन। ओ सरकारवादी मुद्दा के वकालत में विभिन्न विवादित काम खाती के ने आरोप से हो लगौने सायद फैसला प्रायित गर्ने त्यसको उद्देश्य थियो, त्यसमा अरबौँ चलफिल गर्ने उद्देश्य थियो। खम्बबहादुर खातीजी विविध हिसाबले विवादित व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले ललितपुरको इमाडोलको 13 वर्षीय नाबालिकामाथि भएको बलात्कारको मुद्दा दबाउने भूमिका खेल्नु भएको छ। बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा आफ्नो दाजुलाई जिताउनको लागि बुथ कब्जा गराउनुदेखि अनेक हरकत प्रयोग गर्नुभएको छ। बालुटार प्रकरणको सन्दर्भमा सिआइबीले 78 पौषमा पेस गरेको अनुसन्धानको फाइल पुरा नभएको भनेर फिर्ता गराउने र त्यसको हदम्याद गुजारे काममा लाग्नु भएको छ। बलात्कारी आरोप लागेको सिद्ध बाबालाई जोगाउन लाग्नु भएको छ। ज्यान मार्ने उद्योगमा संलग्न काँसका कार्यकर्ता जस्तै आफ्नै नेताले आक्रमण गरेका थिए उनको मुद्दा फिर्ता लगाउनको लागि लाग्नु भएको छ। पब गायक अमासोर योगेश्वर अमात्यको बारेमा रहेको बालुवाटार प्रकरणमै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो पेसके नै फाइल फिर्ता पठेने जानमारा उद्योग में कांग्रेस के कार्यकर्ता के मुद्दा फिर्ता लेने लगैत के काज खाती के ने जिक्र केने सलैत। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम फिर से लगातार बढ़ लागल कालखन कालखन के दाम में आए 200 रुपया से बढ़ कर सोन तोला के 97,100 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी दिलक है। तहिना आई चांदी के दाम घटल तोला में 10 रुपया से घटिक चांदी आए 1,230 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी दिलक है। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के चर्चित हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के बुध दिन स्वास्थ्य में समस्या देखल गेल अछि। हिनका दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ना कयल गेल अछि। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार हिनका जिम में वर्कआउट कर रहल समय हृदयघात भेल छल, जाहि के बाद हिनका तुरंत अस्पताल ल जाओल गेल अछि। रिपोर्ट के अनुसार राजू श्रीवास्तव के भाई दीपू आ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO हिनका हृदयघात भेल पुष्टि सेहो केने छैन। ओ सब गोटे देने जानकारी के अनुसार राजू श्रीवास्तव होटल में जिम वर्कआउट केने छलन, वह समय ओ रनिंग कर रहल समय हिनका छाती दुखल आ ओ नीचा गिरल छलन। अय के बाद हिनका तुरंत अस्पताल ल चल गेल अछि। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने छथि। हिनका संगे तेजस्वी यादव से हो शपथ लेलथि। राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हिनका पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने से एक दिन पहले नीतीश कुमार
एनडीए गठबंधन से संबंध तोड़ मुख्यमंत्री पद से राजीनामा देने सलैत ऐ के बाद वो राष्ट्रीय जनता दल संग मिलकर नया सरकार बनाव दावी कलैथ। नीतीश कुमार 165 विधायक के समर्थन में रहल दावी केने सहित सन 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी संग चुनाव लड़ल छे, मुदा पिछला किस दिन से ई दू पार्टी बीच के मतभेद खुल के बाहर आव लागल छल। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के लकब विवाद शुरू भेल छल। मंगल दिन नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के विधायक आ सांसद सबके बैसार बजौलन, जैमे भाजपा से अलग होब निर्णय केने छल। नीतीश कुमार 8 बेर मुख्यमंत्री के शपथ लेने छथि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा, पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित होबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।